उठाओ उठाओ उठाओ, काय बच्चे बच्चे, ये ओए देखो हुए भाई अभी निकला है कहाँ, ये कौन निकला है? ये भाई देखो ओए हुए हुए हुए, स्कोर माशाल्लाह, भी ये तो है। बफ का है ना। गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? वो भी रिवर्स आ रही है, अभी क्या सीन है? बटर है मस्त ना, वीआईपी करके गल चुके हैं भाई, हमारी फुल कढ़ाई, और ये देखे भाई फुल धुआं हुआ निकल रहा है बलोची तक। और ये क्या बनाया है भाई? ये है रायता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केटल सीन्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों तो यार आप देख रहे होंगे अभी अभी हम लोग गाड़ी में, और देखें भाई सामने क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही बता देते हैं, अल्बाइस केटल फार्म। और हम जा रहे हैं अपने फार्म, और ये टाइम हो रहा है अभी कोई 5:30-6 बजने का टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग फार्म पहुंचे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों फुल भाई चिकन विकन, और ये क्या पड़ा हुआ है, चावल है, चावल चावल है, चिकन है, टमाटर है, मसाले हैं। और दोस्तों वो देखे भाई फुल वीआईपी करके सीन हो गया है आज। यार हमने सोच लिया था कि सैटरडे नाइट है, और सैटरडे को आपको पता है वैसे ही मैं थोड़ा लेट आता हूँ फार्म पे, और रात को देर तक बैठता हूँ। तो फिर हमने सोचा कि यार थोड़ी शॉपिंग करते हैं, गोश्त वगैरह लेते हैं फार्म पे चल के ना, कढ़ाई बनाते हैं। तो क्या सीन है मुनीस भाई? यही तो सीन है हमारा, आज बता दिया आपने यार। अबे यार तुम क्या बताऊँ, अभी मेन सीन तो बताने ही भूल गया। मुनीस भाई को मैंने बोला यार मुनीस भाई आपने रास्ते से ना चिकन और ना कढ़ाई का सामान पकड़ते हुए लेके आना। मुनीस भाई ने क्या किया, टमाटर ही नहीं लेके आया भाई कढ़ाई के लिए, सिर्फ प्याज, दही 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 प्याज। क्या सीन है ये भाई? अगर आप टमाटर नहीं डालो तो आप दही डाल दो। मारो मारो मुझे, मारो मारो, दही डाल दो। अबे ये क्या सीन है यार, अजीब यार। ओए फिर ड्रिफ्ट मारी ना, फिर ड्रिफ्ट मारी ना ये, फिर ये हरकतें नहीं जा रही ना आपकी दोस्तों, ये हरकतें नहीं जा रही भाई, ड्रिफ्टे ड्रिफ्टे मारना शुरू हो गए ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये देखो। किसको गाड़ी क्यों दी है? ये देखो ये हालत की हुई है, एक लाइन तुम्हारी एक लाइन मेरी। चलो चलो, क्या ये तुमने क्या किया है? तो क्या करता है ये, क्या करता है? गाड़ी ऐसे चलाते हो? फिर कैसे चलाते? मैं अगर ऑफिसर होता तेरे को चालान करके छोड़ता। अबे साले। दोस्तों भाई सुलेमान चाचा को फुल टाइट वाला गुस्सा आ गया मुनीस भाई के ऊपर, ये 2 दिन से क्या हरकतें कर रहा है यार। मैं पुलिस ऑफिसर होता ना तो चालान कर देते। हाँ भाई इसको चालान कर देते। पुलिस वाले कहाँ है बाड़े में? दोस्तों अभी मैं रास्ते में ही था ना कि आबिद ने मुझे एक गुड न्यूज भी दी है, बता दें या कल बताएं? बता देते। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई हमारी जो मुर्गी थी वो अंडों पे बैठी हुई थी, माशाल्लाह से यार उसने बच्चे निकल आए अंडों में से, सारे अंडों में से निकल आए जी। मेरे ख्याल में वो उसके बच्चे नहीं निकले बफ के जी, मुश्किल है। क्यों, एक भी अंडे से नहीं निकले? नहीं अभी काफी माशाल्लाह आ गए बच्चे। चलो तो दोस्तों अभी आबिद कह रहे हैं कि यार बफ के अंडे नहीं निकले, देखते हैं यार क्या सीन है, पहले मुर्गी को देख लेते कहां है भाई। ये देखे भाई ये इसमें से बच्चे बच्चे निकले, ये सारे इसके शैल पड़े हुए, ये खा नहीं जाती? नहीं मैंने वो अंदर से निकाल के यहाँ रखे क्योंकि बच्चों को लगते हैं ना। अच्छा चलो 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 चलो, उठाओ उठाओ उठाओ, काय बच्चे बच्चे, ओए होए कहाँ, ये कौन निकला है? ये भाई देखो, ओए होए होए होए, माशाल्लाह ये तो बफ का है ना, अभी देखते ये बफ का नहीं है, दिखाओ इधर, बाहर रखो नीचे रखो सारे, देखो पाँव पे बाल है इसके। ओए ओए ये देखे दोस्तों अभी अभी ताजा ताजा निकला, नहीं यार इसको वापस ऊपर रख दो, इस वाले को जो अभी अभी निकला, इसको नीचे रख दो वहाँ पे, गर्माइश लेगा थोड़ा, बाहर ठंडी ठंडी हो रही है, दिखाओ। ओए 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 ओए, नहीं यार दोस्तों ये सारे के सारे ना मुझे असील के ही लग रहे हैं, क्योंकि इनके पाँवों पे ना बाल नहीं है। बफ के ना आप लोगों को पता होगा जो गोल्डन बफ होती है उसके ना पाँव पे बाल होते हैं, तो इसके नहीं है। ओए होए ये देखे यार कितने छोटे छोटे से, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आज ही पैदा हुए हैं सारे के सारे, और इसमें से एक हाथ तो अभी अभी हुआ है हैच ना, वो वापस हमने अंदर रख दिया, देखे अंडा निकाला है अभी उसने। हाँ और बाकी सारे के सारे बफ के अंडे पड़े हुए आ जाएंगे टूट रहा है अभी, नीचे एक ही है उसके जी। हाँ बच्चा एक है, बच्चा एक है, दो बच्चे, एक इधर छुपा, चेक करो। ये सबसे पहले आया है, तो दोस्तों इन सबका ये बड़ा भाई है बड़ी बहन है, अब ये तो बड़ा होके पता चलेगा, भाई लग रहा है देखे ऊपर ताज आया हुआ है। तो दोस्तों इन टोटल ना हमारे पास ना अभी तक 6 बच्चे आ गए, 6 आ गए जी, 6 है ना, 5 बाहर है, नहीं नहीं 2 2 6 नहीं 7 आ गए हैं, 7 निकलने वाला है। देखे दोस्तों ये बफ के अंडे, बफ के अंडे मतलब बफ के थोड़े लेट आ रहे हैं ना, एक और भी है दोस्तों, ये देखिए ये वाला भी टूट रहा है, बस रख दो वापस रख दो, जल्दी से रख दो, ये आज ही निकल आएंगे। और आज तो दोस्तों हम लोग पूरी रात फार्म पे बैठे हुए, तकरीबन 12-1 बजे तक फार्म पे होंगे आज। आपको पता है क्या सीन है, आप भी को हमने नहीं बताया
अच्छा आज तो सीन लगने वाले हैं, सीन लगने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं यार अभी बाहर, और आज इधर ही बैठे हुए इंशाल्लाह इनको भी देख लेंगे। अभी इसको तो नीचे रख देते, थोड़ी हीट वीट ले, और आज ही यार दुआ करेंगे कि हमारी आंखों के सामने बच्चे हैच हो जाए। तो दोस्तों ये रहा भाई स्टेला का खाना, दूध और चावल। ओए होए होए, ये देखें पूरी थाल भर के खाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार जल्दी से दे देते, इतना भारी है ना, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। और ये इसका ना दोस्तों एक टाइम का खाना है, और ये दिन में कितनी दफा, दो दफा खाती है ना, दो दफा खाती है यार। बहुत मोटी मोटी भी तो हो रही है माशाल्लाह से। चलो भाई दे देते हैं। कहाँ है स्टेला? अंदर कर दिया, वहां से बाहर नहीं आ रही। नहीं अभी वो पेटी है ना। अच्छा वो जो कमर पे बांध दिए सेट हो गया। अभी तक ना दोस्तों वो जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है ना चेस्ट बेल्ट, अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। हाँ भाई आ जाओ, कमॉन कमॉन, खाना आ गया, खाना आ गया। चलो भाई बहुत भारी है तुम्हारा खाना, खाओ आराम से। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह से भाई स्टेला ने खाना शुरू कर दिया, और टाइसन उसको दे दिया, दे दिया टाइसन को, दे दिया दोस्तों इन लोगों ने स्टेला को। हमने भी में बैठा हुआ था यार, मुनिस भाई भी बाहर हैं। ये गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? वो भी रिवर्स आ रही है। अभी क्या सीन है, कैसे स्टार्ट हो गई, ये अपने आप चल रही है? ये देखो। हाँ आ जा बच्चा। अबे समझ रहे हो चल रही क्या सीन है? कौन है अंदर? ओए सुलेमान चाचा, अबे ये क्या कर रहे हैं? अबे इनको गाड़ी चलाने आती है, रिवर्स गियर मार रहा है। रिवर्स गियर मार रहा है। देखा रिवर्स लगा दिया न्यूट्रल की जगह पे। अबे मेरी गाड़ी में ठोक दे यार। चलो ओए अब आगे न्यूट्रल ही नहीं। अबे अबे हैंड ब्रेक। नहीं नीचे। अबे अबे पूरी मोड़ रहे भाई। दोस्तों देखिए यार सुलेमान चाचा को बैठा हुआ था मैं मजे से वहां पे, और इनको मैंने बोला कि यार गाड़ी में ना सामान पड़ा हुआ है वो निकाल के लेके आए, और ये तो गाड़ी स्टार्ट करके लेके निकल गए भाई। क्या सीन है भाई, माशाल्लाह यार गाड़ी तो सही चला रहे हैं। वहां तक पहुंचाऊंगा गाड़ी में। गाड़ी तो सही चला रहे हैं यार। अभी देखना रिवर्स भी करें, मैंने यहीं पर ही रोक देंगे। नहीं रोक देंगे, नहीं वैसे मुझे लग रहा है सीधी खड़ी करेंगे। देखो देखो रिवर्स आएगी। हाँ भाई क्या सीन है फिर, चचा तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे भाई। चचा कह रहे हैं कि जाओ भाई तुम कौन। अबे लग जाएगी। बस भाई मैं समझा अभी सीधी की सीधी गाड़ी जा रही है दीवार में। लेकिन भाई प्रोफेशनल ड्राइवर है अपने चचा, क्या समझ रहे हो इनको तुम भाई? क्या सीन है चचा भाई, ये क्या चला रहे हो भाई? बोल भाई VIP ड्राइवर, फुल VIP। हाँ और क्या, ये तो बच्चा है, ये तो तुम्हारे लिए। यार आज मैंने ऑटो चलाई है भाई। हाँ पहली दफा चलाई है ऑटो। अच्छा बिल्कुल सही चलाई VIP। बच्चा लगता होगा बिल्कुल ये। नहीं नहीं क्यों, तुमने तो बड़े बड़े ट्रक चलाए, तुम बोले मैंने जहाज चलाए पानी के। ये भी यार आज तो मैंने चलाई है। हाँ मजा आया, फुल मजा आया VIP। आप क्या बोलते थे मुझे कि मुझे मैनुअल आती है, ऑटो नहीं आती। ऑटो नहीं आती आज इनको। गाइस मैनुअल आती है, ऑटो गाड़ी नहीं आती इनको चलाना ना, ऑटो नहीं आती। ऑटो असल बंदा ही वही है जिसको मैनुअल गाड़ी चलाने आती है, ऑटो तो कोई भी चला लेगा आप जैसा बंदा। असल भाई ड्राइवर तो मैनुअल वाला है ना, गाड़ी पे सीखना होता है, वो सीखेगा तो ऑटो वाला मैनुअल नहीं चला सकता। फायदा मैनुअल वाला दोस्तों कुछ भी चला सकता है, तो ऐसा ही सीन है ना। जैसे कि अभी चला ली, अगर अभी आपको ऑटो आती मैनुअल गाड़ी होती आप नहीं चला सकते थे, आपने चला ली। ये देखो आपको तो, चलो यार यहाँ से सुलेमान चाचा आपको VIP पहले सामान निकाल के दे देता हूँ। ये देखिए भाई फुल आज तो भाई, तू चोरी कर लेगा। ये लो ऑटो, ये लो भाई, ये कढ़ाई मसाला है, इसमें बिहारी मसाला है, तिक्का बूटी मसाला का है। तिक्का बूटी मसाला आगे होगा, आगे होगा। नहीं नहीं वो नहीं लाए यार, वो भूल गए यार, तिक्का बूटी मसाला भूल गए यार। बारबेक्यू भी करना था, कैसे करेंगे यार, तिक्का बूटी मसाला ही भूल गए। चलो कुछ करते हैं यार। ओ ये देखो दोस्तों, मैंने इनको बोला कि यार कढ़ाई का सामान ले, इतनी सारी प्याज ले कढ़ाई में डालने के लिए। काम देख रहे हो छोटू के? मैंने वहाँ पे दही लिया हुआ है, इन्होंने कहा 50 का 100 का और दही लो। 100 का दही लिया, मैंने कहा दही छोड़ो टमाटर ले लो। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले नहीं नहीं, मैंने कहा भाई कढ़ाई में। अबे छोड़ो यार, किसी को समझ नहीं आ रही, टमाटर भी डलता है दही भी डलता है, तो टमाटर दही दोनों चीजें डलती है ना। ये कह रहे थे या तो टमाटर डाल लो या तो दही डाल लो, यार कहाँ से आए हो आप? भाई आप कमेंट्स में बता रहे हैं, बताओ सुलेमान चाचा। ये मेरे घर में हैदराबाद से कहीं आया या गाड़ी खाते से? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, सारा का सारा सामान हमने VIP करके रख दिया है इस टेबल पे, और यहाँ पे ना हमने सोचा है कि यार यहाँ से ना एक ग्रास का पीस ना ऐसे करके ना उठ जाएगा, हट जाएगा ना, ये
ये देखे ये हटा देंगे, एक पीस हम लोग फोल्ड कर देंगे और यहीं पे ना बीच में ही ना आग वाग जला के फुल अपनी कढ़ाई, और बारबेक्यू तो हो नहीं रहा यार, बारबेक्यू के लिए हमें टिक्का मसाला लेके आना था वो लेके नहीं आया, एक ही भारी मसाले का पैकेट है और वो इनफ नहीं है ना, उससे नहीं होगा और बाकी मसाले नहीं, मजा नहीं आएगा, तो उसका ऑल्टरनेट क्या करें यार, कुछ सोचते हैं यार। उसका ऑल्टरनेट हम ये करते हैं कि हम इसको भी बलोची टिक्के कढ़ाई बलोची टिक्का बना देते हैं, बलोची टिक्का, हाँ बलोची टिक्का हो सकता है, बलोची टिक्का हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं यार दोस्तों बलोची टिक्के के लिए भी कुछ सामान की जरूरत होती है, वो भी हमारे पास है या नहीं है वो देखते हैं, या तो यहाँ से करीब से मिल जाएगा तो वो मंगवा लेंगे, तो बलोची टिक्का और कढ़ाई क्या क्या, तो सिनेमान चचा हो जाए फिर, हो जाए हो जाए हो जाए, बस चलो यार ये देखो इस तरह का, अभी नहीं हटाओ बस सही आराम से हटा देना, लेकिन बस ये देखे दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, मिट्टी है मिट्टी है, तो दोस्तों ये देखिए भाई इस तरीके से करके हटा देंगे और यहीं पे हम लोग बीच में आग जलाएंगे, और टोटली ना जितना भी हम लोग खाना बनाने वाले हैं ना हम लोग आग पे बनाने वाले हैं, नो सिलेंडर नो गैस, सही है भाई? बिल्कुल सही, आग पे बनाएंगे। ओए 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 भाई यहाँ पे दोस्तों भाई मुनिस भाई खोल के ले आए जाने मन को, मैंने बोला यार आज बैठेंगे ना अपने साथ ना जाने मन को भी बिठाएंगे यार, वीआईपी जाने मन के साथ मस्तियां करेंगे। हाँ भाई ओए 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 भाई फुल मस्त हुई है, फुल मस्त हुई है, ओए रस्सी को छोड़ दी अंदर चली जाएगी। हाँ भाई आ जाओ आओ, क्या मस्तियां आई हुई है तुम्हें, हाँ चलो चलो इधर चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जाने मन क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अच्छा अब देखें, अब इसकी रस्सी पकड़ लोगे ना तो फिर इसको ये चीज नहीं पसंद, क्योंकि कभी आदत ही नहीं है ना दोस्तों इसको, ये देखें अब देखें अब देखें अब करेगी ये 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 ये, माशाल्लाह ओए 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 ओए, अच्छा बस दूर करीब नहीं आओ दादा, ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, रस्सी नहीं बर्दाश्त के भाई, कोई रस्सी पकड़े अपनी मर्जी से चलूंगी मैं, हाँ ओए चल चल चलो चलो जाओ, मैं गर्दन पे लपेट रहा हूँ, ये लो जाओ जाओ सही से लपेट लो ना यार, अबे 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 क्या हो गया, अच्छा 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 भाई, अच्छा भाई फुल मस्ती में मूड में आई हुई है जाने मन, आज इनको पता है कि भाई आज यहाँ पे कुछ सीन पार्टी वार्टी होने वाली है, हाँ भाई क्या पार्टी हो रही है, चलो आ जाओ मैं जा रहा हूँ, आओ आओ, कुछ वहाँ पे सूंघ रही है कुछ, इसको पता नहीं वहाँ से किस चीज़ की स्मेल आ रही है भाई, ये आर्टिफिशियल ग्रास है खाने की नहीं है, ओए रस्सी नहीं पकड़ने दूंगी, ओए 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 माशाल्लाह, रस्सी नहीं पकड़ने दूंगी, पकड़ो रस्सी फिर बताएगी, चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से चलो अंदर, माशाल्लाह यार आप दोस्तों देख सकते हैं जाने मन की हाइट में फर्क आया है, हाइट निकाल रही है माशाल्लाह से बच्ची, और यार बहुत अच्छी होती जा रही है यार ये, हाँ भाई क्या हो गया, हाँ वो क्या मस्तियां लगाई हुई है तुमने, ये माशाल्लाह देखिए तो सही है, क्या कर क्या रही है यार आज ये, आ जाओ चलो सुलेमान जी चंदा ले जाओ अभी इसको, फिलहाल बहुत मस्तियां आई हुई है इसको, चलो चलो माशाल्लाह, ओए 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 ओए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक वीडियो में कहाँ से आ गया, ये तो वीडियो में इसलिए आया, आप ये देख सकते हैं, अरे मुसा भाई क्या कर रहे हैं आप, ये क्या सीन है भाई, सीक्रेट मसाला रेडी कर रहा हूँ मैं, अबे नहीं सीक्रेट किस चीज का, मतलब आप क्या क्या बना रहे हैं भाई, ये बलोची टिक्के का सीक्रेट मसाला है, अब ये सारे जो इसमें मसाले डलने थे ना इसमें कोई 10 तरह के मसाले डले, ये देख रहे हैं आप ये 10 तरह के मसाले, और ये वीआईपी तरीके से रेडी हुआ है, अब इसको करेंगे हम लोग मिक्स, अच्छा ये आपका सीक्रेट है आप बताएंगे नहीं कि क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुसब भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, आबिद वाले आबिद, अबे ये तो अंधेरा इतना है भाई, कहाँ हो, अबे दिख ही नहीं रहा कसम से, ये मसाला ना मैंने वीआईपी तरीके से ना रेडी कर दिया, इसमें ना मैंने कोई 10 तरह के मसाले मिक्स करके बनाया, और ये ना हमारे बलोची टिक्के के ऊपर डलेगा, और ये ना सीक्रेट मसाला यार, ये देखो इसकी रेसिपी मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप लोगों को रेसिपी जाननी है ना तो फार्म आ जाए, क्यों भाई, बिल्कुल भाई आ जाओ फार्म पे आ जाओ फिर बताएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे ना देखे आप चिकन का कलर ना बिल्कुल ही चेंज चेंज हो गया, व्हाइट व्हाइट कलर की बिल्कुल ही गोल्डन गोल्डन होती जा रही है, ये देखे भाई क्या मस्त कलर आया, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक, डालो भाई
ये देखिए भाई, ये मसना हमने कूट के डाला है। लहसुन अदरक दोनों डाल दिए, एक होता है पिसा हुआ लहसुन अदरक, एक होता है कुटा हुआ, जो उसी वक्त ताजा ताजा कूट के डाला जा रहा है, उसकी तो खुशबू ही अलग होती है, उसका मजा अलग होता है। और जो पिसा हुआ होता है ना, वो तो पुराना रखा हुआ होता है, फ्रीज हुआ वो, उसमें इतना मजा नहीं आता। जो ताजा कूट के डाला जाता है उसकी तो अपना ही मजा है मुनीस भाई। हाँ, तो दोस्तों इसको ना आप थोड़ी देर ऐसी लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे और फिर आपको बताएंगे कि भाई आगे क्या करना है। जब तक ना यहाँ पे मैं बलूची टिक्का रेडी कर लूँ। और वहाँ पे क्या चल रहा है यार, आप जाके दिखा के आ जाओ। अच्छा, दिखा दूँ? हाँ। ये क्या कर रहे हो भाई? अदरक और लहसुन को काट रहा हूँ भाई। अच्छा, हाँ भाई। अभी आप क्या कर रहे हो? टमाटर काट रहा हूँ। टमाटर काट रहा हूँ या टमाटर? टमाटर 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 टमाटर। माजिद को दिखाएं आपको, बड़ा भाई अंधेरा हो रहा है। ये देखे अंदर भी लाइट जल रही है। आबेद, ये क्या कर रहा है? रोटी बना रहे हैं। आता रोटी, ताजी रोटी बिल्कुल। ओए होए, ये तो पराठे और माशाल्लाह, देखे गरम 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 रोटी। आबेद आबेद, तू तेरी बेगम तो तेरे साथ खुश रहेगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि तेरे को रोटी बनाना आती है ना। चले भाई, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी देगची उठा ली है, यहाँ पे रख देते हैं। सुलेमान चाचा, थोड़ी आग चाहिए होगी यहाँ पे, आप जब तक आग जलाएं यहाँ पे इसको रख देते हैं देगची को। और इसमें ना डाल देते हैं अभी घी। घी कहाँ है भाई? घी है ना, घी लेके आओ। इसमें डाल देंगे, डालो 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 डालो, थोड़ा सा और डालो, चिकन बहुत है, बस बस काफी है, काफी है। तो दोस्तों घी को ना थोड़ी देर पकने देंगे, जैसे ही गर्म हो जाएगा ना फिर इसमें डालेंगे हम चिकन। और यहाँ पे यार दोस्तों हमारी ना जो कढ़ाई की चिकन है ना टोटली रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। भाई भाई एक सेकेंड, थोड़ा सा एक हाथ और घुमा दें। ले आओ भाई टमाटर ले आओ, कट रहे हैं अभी तक? नहीं नहीं, होगा होगा। चलो चलो काटो काटो काटो, जब तक काटो दोस्तों। ये लोग जब तक टमाटर काट रहे हैं तब तक इसको ना घी को भी देख लेंगे थोड़ा। ले आओ भाई। मेरे जो दोस्तों हेल्पर है ना, शेफ के जो पीछे हेल्पर होता है, बहुत ही स्लो है यार। ये बंदा काम का है, बस प्रॉपर आग जलाई हुई है, ये बंदा काम का है, वो दोनों स्लो है यार। भाई थोड़ा जल्दी काम करो ना यार, दिहाड़ी काटूंगा। ये हमारी चिकन जो है बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है, बस इसमें जल्दी से ना अब टमाटर जाने वाला काम है। और टमाटर वहां पे कट रहे हैं, जितने कट गए उतने तो लाना शुरू करो। डाल दो सारे डाल दो। ओए होए, ये फुल यार वीआईपी स्टाइल में काट दिए इन्होंने। कढ़ाई के जो मैं टमाटर काटता हूँ ना, वो मैंने बीच से दो टुकड़े करता हूँ और उल्टे उल्टे करके रख देता हूँ। और ना फिर उसको स्टीम होती है ना, तो उसके ऊपर से पहले छिलका हटाता हूँ मैं और फिर मिक्स करता हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसे काट लिया तो मसले वाली बात नहीं है, ये भी पकेगी, अच्छी पकेगी। ओए होए, यहाँ से देखो आवाज आ रहा शुरू हो गई यार। चिकन ले आओ, चिकन ले आओ, बलूची टिक्के का जल्दी। तो दोस्तों इसमें हम डाल देंगे बलूची टिक्के का चिकन। डालेंगे पहले लेग पीस, आराम आराम से वो टिक्के उड़ेंगे, फिर विंग्स, फिर लेग पीस, फिर विंग्स, सीना सीना, प्योर गोश्त, प्योर गोश्त, वो भी सीना था, वो भी चेस्ट था, वो भी चेस्ट था, ये भी चेस्ट है, ये आ गया लेग, ये आ गया चेस्ट, ये आ गया चेस्ट, 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 चेस्ट। ये तीन टांगों वाली कौन सी मुर्गी थी? तो दोस्तों भाई यहाँ पे हमने बलोची टिक्के का चिकन डाल दिया है। और इसका भी ना हम लोग सेम जैसे कढ़ाई का कलर चेंज हुआ था, उसी तरह इसका भी कलर चेंज होने देंगे। अभी वेट करना है और फिर इसमें भी डालेंगे हम लहसुन अदरक। यहाँ पे देखिए भाई, हमारे जो चिकन और टमाटर है मस्त ना वीआईपी करके गल चुके हैं। और यहाँ पे अब हम डालेंगे मसाले। अब आ गई है मसालों की बारी। तो सबसे पहले भाई मुनीस भाई को ठीक है यार, स्पाइसी कढ़ाई बनाए तो ये लाल मिर्चें आ गई हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, नजर नहीं आ रहा नीचे कुछ, लाओ थोड़ी सी और। तो भाई लाल मिर्चें आप लोग डालें अपना हस्बे जायका, सही है भाई, जितना जैसा आप लोग खाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की थी थोड़ी सी भाई स्पाइसी खाना है, लेकिन मैंने फिर भी इतनी डाली चिकन क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना। और यहाँ पे भाई ले आए नमक, नमक है, नमक लाओ, नमक नमक भी दोस्तों आप डालेंगे हस्बे जायका। अबे यार ये देखो भाई, नमक एक चमचा, बहुत हो जाएगा, दो चमचे, थोड़ा सा और दे दो। अबे यार मुनीस भाई, यार आप डरा रहे हो यार, आप कंफ्यूज करते हो इंसान को यार, कम हुआ ना फिर और डालना। ये लो, यहाँ पे डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। हाथ से जो डालने में मजा है ना, ओए होए होए होए, चमचे से डालने में नहीं आता, ओए होए, ये करके बस ज्यादा हो जाएगी। चलो दोस्तों हल्दी पाउडर हमने डाल दिया हस्बे जायका। ये क्या है, कढ़ाई शान कर दी, वो भी डालेंगे, कढ़ाई मसाला डाल देंगे दोस्तों।
आधा पैकेट हमने डाल दिया था उसमें, जो हमारा जो सीक्रेट मसाला रेडी हुआ है, और आधा पैकेट बचा हुआ था पहले, आधा पैकेट इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई मसाले का। ये पकड़ो भाई, भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ क्या खुशबू है यार। लाओ कढ़ाई मसाला और दो। तो दोस्तों हमारे पास जो है ना 1.5 किलो से भी ज्यादा चिकन है ना, तो कढ़ाई मसाला भी थोड़ा सा और डाल देंगे। हमने डाला था पहले आधा पैकेट। डालो 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 बस 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 बस। तो दोस्तों ये हमने कढ़ाई मसाला डाल दिया, इसको भून देंगे। और जो हमारे बलोची तिक्के की भी चिकन है ना, वो भी रेडी हो चुकी है। इसमें भी हम डालेंगे अभी लहसुन अदरक। यार इसमें लहसुन अदरक डाल दो। ये डलते क्यों है वैसे लहसुन अदरक? यार लहसुन अदरक इसलिए डालते हैं, जो चिकन की और गोश्त की जो स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है, और अच्छी अच्छी सी स्मेल हो जाती है आपके खाने में। मतलब आपको वो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगी। चलो भाई लहसुन अदरक डाल दिया है इसमें, और इसको भी भून देंगे थोड़ा सा। इसको चक्कर लगा देते हैं पहले, ताकि ये VIP हो जाए, और तब तक इसको देख लेते हैं। हुए 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 हुए, क्या कढ़ाई रेडी हुई है यार, मज़ा आ रहा है इसको देख के यार। अब इसमें दोस्तों जाएगी दही। हुए हुए हुए, दही अपना काम दिखाएगी अब। यार इधर आओ ना मुनीस भाई। ये क्या कर रहे हैं यार? ये डाल रहे हैं हम दही। अच्छा टमाटर भी और दही भी? हाँ हाँ, वेरी गुड। क्यों आप क्या एक चीज डालते हो? ओए ओए ओए, कढ़ाई जो है दोस्तों हमारी VIP करके रेडी हो गई है। अब इसको हम लोग 5 से 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे, और फिर इसमें ऊपर से थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो हमारा बलोची टिक्का ये प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। ओए होए होए, इसमें हरी मिर्चों की भी खुशबू आ जाएगी प्रॉपर तरीके से ना। और डालो एक दो और ले आओ, थोड़ी सी बस कढ़ाई के लिए छोड़ दो। चलो ओए होए होए होए, ओए गिर रही इसको। चलो भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, गिर ना जाए यार। ये देखिए दोस्तों भाई बलोची टिक्का हुए 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 हुए, फुल मज़े मज़े का हो रहा है। अभी चिकन पकना बाकी है, चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगी ना तो ये तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, ये आप बन जाएगा। और कढ़ाई भी हमारी ना तकरीबन तैयार हो गई है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी जो ज़्यादा हो गई है थोड़ी कम होगी, और ना मज़ा आ जाएगा फिर। हुए 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 हुए, तो दोस्तों फाइनली फाइनली यार आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई ना हुए हुए कितनी VIP यार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फाइनल फाइनल फिनिशिंग जो जानी है। ले आओ भाई हरी मिर्चें, ले आओ। यहाँ पे दोस्तों हमने डाल दी हरी मिर्चें, ये बीच बीच से काट के डाली है हमने। इसको थोड़ा सा घुमा देंगे हरी मिर्चों के साथ। ओए 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 ओए, आओ इधर दिखाओ। ये देखिए तो हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से फुल VIP फाइनल हो चुकी है। लाओ भाई ये देखिए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कढ़ाई रेडी हुई है। अभी कढ़ाई को उठा के रख देते हैं, और हमारा बलोची टिक्का भी ना तकरीबन रेडी हो चुका है। बलोची टिक्का में इतना ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, बस चिकन को अच्छे तरीके से गलाना होता है, और उसमें से ना जो इसकी स्मेल होती है ना वो निकालनी होती है। बाकी कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको हम लोग हटा लेते हैं अभी, फिर उसको आपको दिखाते हैं भाई उसमें क्या करना है। तो दोस्तों वाकई यार लकड़ी पर खाना बनाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धुआं जिस तरीके से आ रहा होता है ना, मुझे वाकई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब देखें भाई, अच्छा ये जो चिकन है ना हमारी, इसको हमने जो सीक्रेट पानी में आपको बता रहा था ना, वो था नमक। हमने नमक में ना ऑलरेडी इसको भिगो के रख दिया था, तो इसमें अभी ना नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना ये देखिए VIP तरीके से ना चिकन गल गया है, और VIP ना रेडी हो गया, ये रेडी टू ईट है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए भाई ये जो हमने दोस्तों सीक्रेट मसाला रेडी किया है, इसमें 10 से 12 तरीके के हमने मसाले डाले, और ये हम सिंपली इसको यहाँ रखा, इसको ऐसे ऐसे करके बस थोड़ा सा और फुल स्पाइसी भाई, फुल VIP बलोची टिक्का रेडी हो चुका है हमारा। इसको बस मसाला डाल दिया, तो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा बलूची टिक्का और यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई मजे से ना रेडी हो चुकी है। और हमने दोनों चीजें भाई अल्लाह का शुक्र है अच्छे से बना तो दी है। दिखने में तो बहुत टाइट लग रहा है, क्यों आबिद तुमने भी व्लॉगिंग शुरू कर ली? अबे भाई आबिद ने भी दोस्तों देखे कैमरा खोल लिया, व्लॉगिंग कर रहा है। और भाई तैयार तो बहुत अच्छा हुआ है, शक्ल तो दोनों की बहुत अच्छी आई है। अब इसको उठा के खा के देखना है कि भाई क्या सीन है, जल्दी से उठाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई हमारी फुल कढ़ाई, और ये देखिए भाई फुल धुआं हुआ निकल रहा है बलोची टिक्के से। और ये क्या बनाया है भाई? ये है रायता। ये रायता है क्या है इसके अंदर? प्याज है और धनिया वनिया दिख रहा है, चिकन कढ़ाई मसाला है, मिर्चे हैं, सब डाल दिया। ओए ओए मुनीस भाई को जो भी मिला यार सब डाल दिया, आपस की बात है। बहुत ही टाइट बनाया है, मैंने चक्के देखा है, फुल सलाद बन गई है। ये रायता सलाद सब है, सब मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया। लेकिन वीआईपी बनाया, मैंने रोटी के साथ खाया है इसको, अभी आप यकीन नहीं करेंगे। और ये तो देखे, और ये देखिए भाई माजिद के काम देखिए भाई। इसको मैंने बोला रोटियां बना दो, इसने 26 रोटियां बना दी है भाई। जवान के बच्चे ने अंदर बैठे बैठे बस रोटियां बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा। हमने पूरी कढ़ाई बना ली, सब कुछ रेडी कर दिया, और ये सबसे एंड में कढ़ाई के भी बाद दो रोटियां बना रहा था। 26 रोटियां खा लोगे? खा लेंगे। चलो 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 भाई चलो जल्दी से यार सबको निकाल निकाल के दे दो आप। ये देखिए भाई होए 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 फुल भाई मजे की कढ़ाई, धुआं निकल रहा है। होए 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 चलो भाई चलो सुलेमान चचा, और इन ये भी दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। सुलेमान चचा और माशू को एक प्लेट में खा लेंगे, और ये भी दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। ओए होए ओए होए ओए होए मसाला वसाला निकालो यार। ये वाकई वाकई ये सच्ची तारीफ है, ये मुंह में डालती तारीफ जो हुई है ना ये वाकई हाँ उस दिन से अच्छी है। कैसी है माशू फिर? हाँ माजी मजा आया। चलो यार ये बलूची टिक्का भी इनको निकाल देते ताकि वो भी चख लें। क्या किया आपने, ये दो दो अलग अलग क्यों निकाल दी? हम दोनों एक ही में खा लेते ना। ये बलूची टिक्का कर देते। अभी ये क्या कर रहे हो? अबे यार वो तो बलोची टिक्के का टेस्ट ही खराब हो जाएगा सारा, उसमें मसाला लगा हुआ है। अबे यार मुनीस भाई यार क्या काम है यार आपके यार, ये तो कोई यार यही करते हैं यार, तंग करके रखा हुआ यार उन्होंने मुझे यार। ओए 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 चलो भाई इसको बंद कर दो, ठंडा हो जाएगा। ये लोग ये खाओ फिर ना, और निकाल लेना गरम गरम। ये भी चक्के बताओ भाई फिर कैसा बना। इधर ही आ जाओ चाचा, सलाद दो ना, ये निकालो डाल नहीं है। चलो यार दोस्तों चलो। यार ये लोग खाते हैं, इन लोगों को भी ना सुकून से खाने देते हैं। ये लोग भी बोल रहे होंगे क्या यार खाने के टाइम कैमरा सर पे लेके खड़ा हो गया, क्यों मनीष भाई? बिल्कुल खाने के टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज। और देखे भाई यहाँ पे फुल लूडो वुडो भी आया हुआ, लूडो का भी सीन है आज इंशाल्लाह खाने के बाद। इसको भी देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा आप होनेस्ट रिव्यू दोगे? मुझे पता है खुदा की मैं होनेस्ट रिव्यू दूंगा। हाँ आप तो कह रहे थे टमाटर नहीं डलते ना। अबे यार क्या खिला दी यार, 26 की 26 मैं ही खा जाऊंगा रोटियां। भाई मुनीस भाई को तो पसंद आई वीआईपी, मैं भी चक्के देख लेता हूँ। वाकई यार दोस्तों उस दिन से भी अच्छी बनी है आज। चलो यार जल्दी से खाते हैं इसको और फिर मिलते हैं। बलोची टिक्का तो चक्के बताओ, आप कह रहे थे बलोची टिक्का क्या है, ये क्या है? कह रहे थे यार तूने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ऐसी पका लिया, ये क्या बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर पता है नहीं, बस बोलना आता है। तो सही है दोस्तों यार बलूची टिक्का भी अच्छा ही बना है। उधर से अच्छे रिव्यू आ गए ना तो मतलब मैं समझ गया, इनको तो छोड़ो बाकी सारे सुकून से खाते हैं यार, मैं भी खाता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। ये कढ़ाई ना हमारी बच गई है, और बलूची टिक्के का आपको मैं सीन बताता हूँ भाई। ये देखिए भाई ये सीन किया है इन्होंने बलूची टिक्के के साथ, और कढ़ाई भी माशाल्लाह से भाई बहुत ज़्यादा थी, इतनी सी बची है। जो माशूक भाई है ना हमारे, इसके फार्म पे ना एक दो लड़के और है, तो हमने बोला यार वो खा लेंगे, तो ये माशूक भाई ले जाएंगे। ये रहा भाई, ये लो भाई ले जाओ फिर आ रहे हो ना चाय पियेंगे। चलो भाई ये आ रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप करके। हाँ भाई फिर कैसी थी भाई? माशाल्लाह बहुत खा लिया, पता ही नहीं चला कितना। हाँ ठीक है सी, बहुत अच्छा। हाँ भाई अच्छी मजा आया यही भी। हाँ भाई सुलेमान चचा ये तो शेफ है, ये तो असल बताएंगे मसालों का तो क्या चीज बनी थी। हाँ आज उस दिन से अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी।
दोस्तों हमने जो लास्ट टाइम कढ़ाई बनाई थी आप लोगों को याद होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी लेकिन उससे भी अच्छी कढ़ाई बनी यार, मजा आ गया खाने में। क्या कर रहे हो भैया अभी? तीली मार रहा हूँ। अम्मी की कॉलें आ रही हैं आपकी, कैसी थी? बहुत आउट क्लास। अबे यार एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं करा करो हमेशा यार, ओवर एक्टिंग यार, इनके 50 रुपए काट लेना सही है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। कॉल पे बात कर रहे हैं दोस्तों, उसको बोल रहे हैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और कोई सीन नहीं है हमारा जाने का 11-12 बजे तक, और ये ऐसी टोपियां बनाते रहेंगे। हाँ भाई कैसी थी कढ़ाई? माशाल्लाह बहुत अच्छी। हाँ VIP थी। चलो भाई तो यार ये हो गया VIP से सीन। माशुक जाओ ना तुम, हो गया हो खड़ा हुआ है पीछे यार। तो चलो भाई ये सीन VIP हो गया, अभी जल्दी से ना सुलेमान चचा जाएंगे VIP से चाय बनाएंगे और हम लोग लगाएंगे लूडो। ओए होए आज तो फुल भाई कंपटीशन होना चाहिए, ये हमने फार्म पे लाके रख दिया है। आज भाई क्या होने वाला है? लूडो खेलेंगे भाई। हाँ VIP करके भाई। चलो भाई सुलेमान चचा और सुलेमान चचा का 1-on-1 है। हैं हम भाई 1-on-1 है, हम मिलने के राउंड खेलेंगे। आ जाओ सामने आ जाओ। नहीं नहीं यार टीमिंग में खेलेंगे ना, टीमिंग में मजा आएगा। अच्छा आप दोनों सिंगल सिंगल कर लो, जब तक हम लोग चाय पी लेते हैं, इनका एक सिंगल सिंगल हो जाए। चलो भाई खेलो खेलो। अभी अभी हम लोग ना लूडो खेल के फारिग हुए, आप इतना सारी की सारी गोटे समेट रहे। आबिद क्या हुआ भाई? पूरे जमील मेमन में आवाज आई है। बिल्कुल आई है भाई। किसकी आवाज आई है? हमारी भाई। अबे क्या हुआ मुनीर भाई के साथ? ये देखो मुनीर भाई का। अबे बेईमानी करी है भाई। इतने रोते हैं यार, इतने बुरी तरह हारे मुनीर भाई, हाथ से चलाई। अबे यार क्या हुआ है माजिद भाई? मर गया मुनीर। अबे यार ये क्या हो गया यार मुनीर यार, ये तो बहुत बुरा हुआ वैसे यार। नेक्स्ट Saturday, नहीं ये वैसे बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इतना बुरा होता नहीं है मतलब। चचा को गेम मारा इस दोनों को। अबे यार बस करो यार, अबे सबसे हारे हो सबसे सबसे पहले। हाँ पहले सुलेमान चचा ने हराया, फिर आबिद ने हराया, फिर मैंने। दोस्तों 3 गेम सीधे सीधे कुछ मतलब यार जीत दे रहा था मेहमान। यार बस कर दो यार, बस कर दो यार, इतनी बुरी तरह हारे और शुरू शुरू में कह रहे थे शर्त लगाओ ये करो वो करो। हम शर्त वर्त नहीं लगाते भाई, हम लोग ऐसे ही खेलते हैं। शर्त लगा लेते तो आपका क्या होता अभी? अबे यार बस कर दो यार। तो दोस्तों ये सीन है भाई, बहुत बुरी तरह हराया हमने मुनीस भाई को, हमने कढ़ाई भी बनाई और इतना मजा आया आज यार फार्म पे। VIP हो गया ना सीन, तो अभी लेट हो रहा है बहुत यार, जल्दी से घर जाऊंगा और वीडियो को भी करूंगा एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्त कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ यार अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। दियो मनोज भाई हार गया भाई।